सिकंदर के तीन गानों में क्या है खास, कैसे सिकंदर में शाहरुख खान की हुई एंट्री, इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान की मूवी की यही डिटेल। सलमान खान की सिकंदर में तीन धमाकेदार गाने हैं। पहला फेस्टिवल पर क्रिएट किया गया है, दूसरा लव केमिस्ट्री पर बेस है और तीसरा है आइटम सॉन्ग। यही तीनों गाने सिकंदर की जान है। जिस तरह टाइगर सीरीज की फिल्मों में सलमान का कटरीना कैफ के साथ लव ट्रैक है, इसी तरह की ट्यूनिंग सलमान की रश्मिका मंदाना के साथ है। इस लव सॉन्ग की लोकेशन है यूरोप और प्लानिंग है भव्य तरीके से पर्दे पर दिखाना। इसे अभी से मूवी का यूरोपियन रोमांस नाम दिया जा रहा है। सलमान का दूसरा गाना है त्योहार से जुड़ा हुआ। इस फेस्टिवल सॉन्ग में सलमान और रश्मिका मंदाना है, 200 बैकग्राउंड डांसर हैं और इसकी थीम है धारावी की झुग्गियां। सलमान ने सॉन्ग में त्योहार को सेलिब्रेट किया है। गोरेगांव के SRPF ग्राउंड में शूट हुए इस सॉन्ग में सलमान सिल्वर चैन पहने हैं, जबकि रश्मिका मंदाना पारंपरिक सलवार कमीज में हैं। सिकंदर का तीसरा सॉन्ग भी बेहद सॉलिड है। इसमें सलमान खान ऐसा सिग्नेचर स्टेप कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा वायरल रहने वाला है। ये इसलिए रखा गया है ताकि सलमान का फ्लेवर मूवी में होना चाहिए। इसमें जो डांसर हैं वो दूसरे सॉन्ग से अलग हैं। बताया जा रहा है इस गाने की सलमान ने अलग से प्रैक्टिस की ताकि उनके पुराने सिग्नेचर स्टेप से मैच न हो जाए। सिकंदर के प्रमोशन में कई तरह के स्टेप को फॉलो किया जाएगा। सलमान खान के पोस्टर रिलीज किए जाएंगे, गानों को प्रमोशन के लिए दिखाया जाएगा, अलग अलग इंटरव्यूज के जरिए मूवी के बारे में बताया जाएगा और कई बड़ी सेलिब्रिटीज को टास्क दिया जाएगा। टीजर के बाद बैक टू बैक कई ऐसी चीजें आएंगी जो फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाएंगी। इसके बाद भी सलमान खान सिकंदर के लिए कई तरकीबें आजमाएंगे। माना जा रहा है कुछ टूर भी सलमान की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। ये विदेशों में सिकंदर का कलेक्शन बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। सलमान खान का मेगा प्लान यही है, सोशल मीडिया के जरिए फैंस को ज्यादा संख्या में जोड़ा जाए और मूवी के ट्रेलर और टीजर के जरिए बहुत ज्यादा माहौल बनाया जाए। सिकंदर में सलमान का एक्शन बहुत तगड़ा होगा और इसे ऑल टाइम हाई लेवल पर ले जाने के लिए मेकर्स ने खास प्लान किया है। इसके लिए रेड चिलीज ने अपनी तरफ से सलमान की मूवी का पार्ट बनना एक्सेप्ट किया है। रेड चिलीज शाहरुख खान की कंपनी है और यह सिकंदर के VFX पर काम कर रही है। सिकंदर में VFX इसलिए जरूरी है क्योंकि यही एक्शन मूवीज को दमदार बनाता है। खुद सलमान से शाहरुख की इसके लिए बातचीत हुई। रिपोर्ट्स पर बिलीव करें तो जवान में जिस तरह का VFX इस्तेमाल किया गया उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सिकंदर में ये नजर आएगा। सलमान खान को लगता है जवान के VFX दूसरी फिल्मों के मुकाबले अच्छे थे और रेड चिलीज ने इसमें बेहतर काम किया था। खुद सिकंदर के लिए शाहरुख खान ने अपनी तरफ से अप्रोच की और बताया जाता है बहुत कम मार्जिन पर बिना नेगोशिएट किए ये डील हुई है। दोस्तों सलमान खान के गाने और नए प्लान पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।